नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री कर्णी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। हम बात कर रहे थे समय की शुरुआत से मानव जीवन का विकास है वो किस तरह से हुआ था, यानी हमने देखा था कि तकरीबन 56 लाख वर्ष पूर्व की जो समय अवधि थी उस समय है वो मानव के विकास का एक प्रक्रम है, वो क्या हुआ था, आगे बढ़ा था और किस तरीके से वो मानव पशु से लेकर के वर्तमान मानव तो के स्वरूप का विकास होता है। और ऐसी बात है वो हमने देखा था कि जो चार्ल्स डार्विन की पुस्तक आई थी ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज नामक पुस्तक है, जिसमें बताया गया कि सब मानव का विकास है वो कैसे हुआ था, क्रमिक रूप से हुआ था। चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन की जो पुस्तक थी ऑन द स्पीसीज की जो पुस्तक थी उसमें बताया गया था कि किस तरीके से है वो मानव का विकास एक क्रम दर क्रम श्रृंखला से हुआ है, यानी पशु से लेकर के मानव का है वो विकास आगे होने का काम कर रहा। तो ये थ्योरी हम बात कर रहे थे, हमने दो थ्योरियां देखी थी, एक तो देवी उत्पत्ति की देखी थी और दूसरी हमारी थी वो मानव के क्रमिक विकास की थी। तो पहली हमारी जो थ्योरी है वो देवी उत्पत्ति की, दिव्य उत्पत्ति का सिद्धांत। दिव्य उत्पत्ति का सिद्धांत कहता है कि मानव का जो विकास है, जो मनुष्य की उत्पत्ति है वो किसने की है, ईश्वर ने की है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना की तथा पशुओं के अलावा मानव को भी उत्पन्न करने का काम किया। और ये जो चीज निकल कर आई, ये जो सिद्धांत था वो हमने कहां पढ़ा, हमने बाइबल के अंतर्गत पढ़ा। बाइबल क्या है, ईसाई धर्म की एक पुस्तक है उसमें, और उसका कौन सा है, ओल्ड टेस्टामेंट है वो कह रहा है। इस्लाम धर्म का भी सिद्धांत है वो ईश्वर की दिव्य उत्पत्ति जो कह रहे हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न किया। आप देखोगे कि हिंदू धर्म में भी है वो बाकायदा कहा गया है कि ईश्वर के द्वारा है वो मनुष्य का उत्पन्न है वो किया गया, और हिंदू धर्म में तो ईश्वर के स्वयं के हैं वो 10 अवतारों का उल्लेख है वो किया गया। तो ये जो सिद्धांत कह रहा है वो दिव्य उत्पत्ति का है वो सिद्धांत है। लेकिन हमारा जो दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत था वो मानव के क्रमिक विकास का है, वो सिद्धांत जो चार्ल्स डार्विन ने दिया उसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण है, वो तथ्यों के ऊपर खरा उतरने का काम है वो कर रहा है। कौन सा, क्रमिक विकास का सिद्धांत। तो क्रमिक विकास का सिद्धांत कहता है कि जो आधुनिक मानव के जो पूर्वज है वो कौन थे, एक तरीके से है वो आप देखोगे कि प्राइमेट थे। कौन थे, प्राइमेट। प्राइमेट यानी विभिन्न बंदरों का जो एक समूह है, बंदर परिवार का जो समूह है वो प्राइमेट है। तो ये बंदर परिवार का समूह। तो जो मानव के क्रमिक विकास की बात कही गई उसमें कहा कि जो आधुनिक मानव के जो पूर्वज थे वो कौन थे, बंदर थे, और बंदरों से ही आधुनिक मानव के विकास का जो कहानी है वो आगे बढ़े। मानव के विकास क्रम को 360 से 240 लाख वर्ष पहले तक है वो खोजा गया, और इन्होंने कहा कि ये वह समय था जब एशिया और अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट नामक एक नियमक श्रेणी का है वो उद्भव किया। यानी मानव के विकास क्रम को हमने देखने का काम किया तो 360 से 240 लाख वर्ष पहले हैं वो मानव के विकास क्रम को, उस कालखंड को है वो टंटोलने की कोशिश की। और इस समय हमने देखा कि एशिया और अफ्रीका में बहुत से स्तनपायी प्राणियों की है, स्तनपायी जो जानवरों की, स्तनपायी यानी जो अपने बच्चों को है वो दूध पिलाने का काम कर रहे थे, यानी जो मादा प्राणियों की।
तो मादा और नर इन दोनों प्राणियों की प्राइमेट, प्राइमेट का मतलब हुआ कि बंदर परिवार का जो समूह होता है उनको है वो प्राइमेट से जो स्पीसीज कहा गया, प्राइमेट है वो जाति कहा गया है कि उसके अलग अलग प्राणियों का है वो उद्भव होने का काम कर रहा है। और आगे हम देखेंगे किस तरीके से होमोनिडेई एक परिवार आता है जो बंदर परिवार है इसी प्राइमेट का। तो प्राइमेट क्या है कि बंदर परिवार का एक समूह है उसमें अलग अलग आएगा, होमोनिडेई आता है, होमोनिड आता है। और फिर है वो हम आगे जाके देखेंगे किस तरीके से है विकास का प्रक्रम आगे बढ़ा, तो होमो जो सेपियंस आया, होमो हैबिलिस आया, होमो इरेक्टस आया, उनसे आगे जाकर के होमो सेपियंस आधुनिक जो मानव है, जो चिंतनशील मानव है, जो प्राज्ञ मानव है वह आने का काम कर रहा है। तो वह किससे आता है, वो भी प्राइमेट से आता है, यानी स्तनपायी जो जो जाति थी, स्पीसीज थी बंदरों की थी, उन्हें से ही विकास होने का काम कर रहा है। तो आधुनिक मानव की जो पूर्वज है वो बंदर थे, ऐसा है वो 360 से लेकर 240 लाख वर्ष पहले हैं, वो ऐसी जो हमें प्रमाण एशिया और अफ्रीका में प्राइमेट जो श्रेणी है उनसे हमें मिलती है। उसके बाद में हम देखेंगे कि 240 लाख साल पहले प्राइमेट श्रेणी में एक समूह उत्पन्न हुआ जिसको क्या कहा गया, होमिनोइड कहा गया, होमिनोइड। ये क्या, ये प्राइमेट की उपश्रेणी है, प्राइमेट। तो प्राइमेट का मतलब हुआ कि बंदर परिवार का समूह है, बस आपको एक ही ध्यान रखना है बंदर परिवार का है वो समूह है, यानी विभिन्न प्रकार के बंदर हैं उनके पूरे समूह को क्या कहा गया, प्राइमेट कहा गया, प्राइवेट नहीं है, प्राइमेट है, प्राइमेट है। और उस प्राइमेट उस बंदर परिवार के समूह में एक समूह उत्पन्न हुआ जिसको होमिनोइड कहा गया, क्या कहा गया, होमिनोइड है वो कहा गया। और इस उपसमूह में वानर यानी वानरों को एप भी कहा गया। आगे जाकर के इस होमिनोइड के अंदर जो अगले जो उपसमूह आता है जिसको कहा गया एप, क्या नाम आया उसका, एप कहा गया, वह शामिल। तो ये होमिनोइड है प्राइमेट के अंतर्गत है उप, और इसके अंतर्गत हमारा एक आया एप, एप यानी वानर। तो एप शब्द आए तो उस समय ये एप एप्लीकेशन वाला आप मत करना कि साहब है वो पबजी के, वो एप है नहीं। तो यहां पर हमारे इतिहास में एप का मतलब है वानरों की बात की जा रही, वानरों का जो समूह था उपसमूह प्रजाति था उनको है वो एप कहा गया। तो प्राइमेट यानी बंदरों का परिवार का समूह और उनका जो उपसमूह है जिसका नाम है होमिनोइड, और होमिनोइड का एक उपसमूह आया हमारे पास एप यानी वानर आए, जो किस तरीके से है वो मानव से काफी हद तक है वो साम्यता समानता रखने का काम कर रहे, एप है वो शामिल हुए। और फिर कुछ समय बाद हमने देखा कि 56 लाख वर्ष पहले हमें होमिनिड प्राणियों के अस्तित्व का है वो जो साक्ष्य मिलने का काम कर रहा है। और इसी ऐप से हम आगे बढ़ेंगे, यही ऐप है, और इसी ऐप में क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, यानी इन्हीं वानर प्रजाति के अंतर्गत है वो विकास हुआ और एक नई प्रजाति आगे जाकर निकली होमिनिड। तो होमिनिड और जो होमिनिड इसमें काफी अंतर है, आप देखोगे जो ये होमिनिड है ये क्या है, ये एक तरीके से पशु की तरह चल रहा है, आप देखोगे कि चारों दो पैर हैं और हाथ के बल पर है वो चलने का काम कर रहा है, यानी ये दो पैरों के ऊपर है वो चलने का काम है वो ये क्या है नहीं कर पा रहा, ये नहीं कर पा रहा है, बाकायदा हाथों का सहारा लेकर है वो चलने का काम कर रहा है, यानी चारों से है वो चलने का काम कर रहा है। जिस तरह से पशु चल रहे हैं उस तरीके से कौन चल रहा है, ये होमिनोइड चल रहा है। और जो जो आगे बढ़ते हुए विकास क्रम आगे बढ़ा, विकास क्रम आगे बढ़ा, तो इसी होमिनोइड से है वो जाकर के कौन से आए, होमिनिड आए। और होमिनिड क्या है, अब इन्होंने होमिनिड थे तो इन होमिनिडों ने इन हाथों का प्रयोग करना है वो क्या किया, बंद कर दिया, यानी हाथ थे वो अब चलने में हाथों का प्रयोग नहीं कर रहे, इन दो पैरों के बल पर है वो चलने का काम कर रहे हैं। आगे की जो चीजें उसमें आपको बताया गया ये आपके हैं वो, ये होमिनिड है, ये क्या है, होमिनिड। और इसी होमिनिड से आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो आद्य मानव भी है वो आएगा, ये आप देख लो ये होमिनिड है, और ये क्या करें, ये हाथों का प्रयोग करके अपने शिकार को है
वो यहाँ पर काम लेने का काम कर रहे हैं, ये इनका शिकार है, कोई जानवर है उसको मारने का काम कर रहे हैं, और ये बिल्कुल है वो स्वतंत्र रूप से है, वो पैरों का प्रयोग कर रहे हैं, हाथों का सहारा लेकर चलने का काम है वो नहीं कर रहे, इनको हाथों की है वो सहारे से चलने की आवश्यकता नहीं है। तो जो एक तरफ तो ये मानव जो हमारा होमिनिड है, जो मानव से काफी साम्यता रखना कि ये दो पैरों के ऊपर चलना शुरू कर लिया, हाथों का वो प्रयोग नहीं कर रहा, जबकि जो दूसरा ये था आपका होमिनोइड, होमिनोइड क्या है, ये दो हाथों के बल के सहारे वो चलने का काम कर रहे हैं, दो पैर और दो हाथों के बल के ऊपर यानी चारों से चलने का काम कर रहे हैं वो होमिनिड कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये मानव का विकास की कहानी बढ़ रही है, यहां तक तो है वो चारों से चल रहा है, जो आगे बढ़ेगा तो वह केवल और केवल दो पैरों के बल पर है वो चलने का क्या कर रहा है, काम है वो कर रहा है। तो ये एक तरीके से इनके विकास के क्रम को बता रहा है कि साहब किस तरीके से मानव का विकास क्रम आगे बढ़ा, कि वो एक बंदर था जो जिस तरीके से अपने दो हाथ और दो पैरों के सहारे लेकर चलने का काम कर रहा, विकास क्रम आगे बढ़ा तो वो केवल और केवल दो पैरों के सहारे वो चलना शुरू कर दिया, अब उसने है वो हाथों का प्रयोग है वो अन्य काम में शिकार में उनके द्वारा है वो कर रहा है और स्वतंत्र रूप से वो चल रहा है दो पैरों के बल पर। तो ये हमारी एक आइथिक प्राइमेट जो श्रेणी है जिसमें बंदरों का विभिन्न समूह है उसका विकास है वो 240 लाख वर्ष पहले हुआ, और उसमें प्राइमेट में है वो पहला हमारा समूह आया कौन सा, होमिनोइड, और होमिनोइड में है वो इसका उपसमूह आता है वानर, और वानरों का जो उपसमूह है वो आया होमिनिड। तो ये प्राइमेट है वो बंदरों की पूरी श्रेणी पूरा परिवार, इसके उपसमूह कौन सा आया, होमिनोइड, और इसका जो उपसमूह आया वो कौन सा है, आप देखोगे होमिनिड है। तो ये एक श्रृंखला है वो आगे बढ़ रही है। तो ये जो होमिनिड आते वो तकरीबन हमने देखा कि 56 लाख वर्ष पूर्व में है वो आने का काम करें, तो 56 लाख वर्ष पूर्व, क्यों, क्योंकि ये दो पैरों के बल पर चलने में काम कर रहा है, दो पैरों के बल पर चलने का काम कर रहा है, हाथों का है वो अब इसमें चलने में वो प्रयोग नहीं कर रहा है। होमिनिड वर्ग होमिनोइड उप समूह से ही विकसित हुए हैं और इसमें अनेक समानताएं भी पाई गई, लेकिन कुछ बड़े अंतर भी देखने को मिलते हैं। एक तरफ जो होमिनोइड का मस्तिष्क है वो होमिनिडों की तुलना में क्या है, छोटा है, ठीक है, और वे कैसे हैं, चौपाए यानी चार पैरों के बल के बल पर है वो चलने का काम कर रहे हैं। उनके शरीर का अगला जो हिस्सा है और अगले दोनों पैर है वो लचकदार होते थे, इसके विपरीत है वो होमिनिड है वो सीधे खड़े होकर पिछले दो पैरों के बल पर चलने का काम कर रहे हैं। तो ये जो होमिनिड है इनका जो मस्तिष्क का आकार है, ये होमिनिडों के मस्तिष्क का आकार आप देखोगे तो आपने देखा जो होमिनिड है उनके मस्तिष्क से आकार से क्या है, एक तो बड़ा है मस्तिष्क का आकार उनका बड़ा, तो होमिनिड का है वो छोटा। साथ ही ये क्या कर रहे हैं कि आगे की जो इनके हाथ है वो भी कैसे हैं, लचकदार है। अब आजकल हमने सुना तो था कि साहब लचकदार पैर से हैं वो, किस तरीके से वो चलने का काम कर, तो अब हाथ भी इनके हैं वो लचकदार थे, वो उस समय की बात की जाए तो लचकदार हैं वो किन के थे, होमिनिडों के वो पैर थे और चारों ही हाथ थे और हाथों के बल कर इन चारों के बल पर है वो चलने का काम कर रहा था, दो हाथ और दो पैर यानी चार पैर इनको है वो काउंट किया गया, ठीक है, स्वतंत्र ये खड़े होकर नहीं चलते थे, स्वतंत्र खड़े होकर नहीं स्वतंत्र खड़े होकर ये कभी भी नहीं चल सकते थे। तो एक तो ये इनका बड़ा इश्यू था, जबकि ये जो थे ये क्या है, ये स्वतंत्र रूप से हैं वो चल सकते थे क्योंकि दो पैरों के बल पर हैं वो चलने का काम कर रहे थे, इसलिए ये जो होमिनिड
वो होमिनोइड की तुलना में क्या है, ज्यादा विकास को हासिल कर रहे हैं, ज्यादा हैं वो क्या थे, ये एक तरीके से अधिक विकास इन्होंने है वो, जो जो आगे प्रक्रिया बढ़ी मानव के विकास की, जो जो ये आगे विकास को हासिल कर रहे हैं कि अब ये स्वतंत्र रूप से चल रहे हैं दो पैरों के बल पर, और अब अपने हाथों का काम है वो पूरी तरीके से किसमें लगा रहे हैं, शिकार के अंतर्गत लगा रहे हैं या अन्य तरीके से है वो काम को करने का कर रहे हैं। उनके हाथ विशेष किस्म के होते थे जिनकी सहायता से वे क्या करें, औजार भी बना सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अगले अनुभाग में उनके द्वारा बनाए गए औजार और उनकी विशेषताओं के बारे में है वो बारीकी से चर्चा की गई है कि किस तरीके से है वो मानव प्राप्त हुआ। दो प्रकार के साक्ष्यों से पता चलता है कि साहब होमिनिडों का उद्भव है वो अफ्रीका में हुआ, और इसका जो हमें साक्ष्य है कि पहला तो ये है कि अफ्रीकी वानर का जो समूह है वो होमिनिडों से बहुत कुछ है वो गहराई से जुड़ा है, और दूसरा जो सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश के अफ्रीका में पाए गए हैं और उनका भी समय लगभग है वो 56 लाख वर्ष पूर्व माना गया। इसके विपरीत अफ्रीका से जो बाहर जीवाश्म मिलते हैं वो कितने 56 लाख वर्ष से भी अधिक पुराने नहीं है, और होमिनिड जो क्या है, होमिनिडे नाम के परिवार के सदस्य होते हैं। इस परिवार के सभी रूपों में मानव है वो प्राणी रूप में पाया जाता है। होमिनिड समूह की अनेक विशेषताएं जैसे मस्तिष्क का बड़ा आकार है, किसका, होमिनिड का मस्तिष्क इनका बड़ा होता है, पैर के बल पर ये सीधे खड़े होकर चलते हैं, दो पैरों के बल पर है वो चलने का ये काम कर रहे हैं, हाथ की इनकी जो विशेष क्षमता है जिससे वे क्या कर सकते हैं, औजार बना सकते हैं, इनका इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। यानी जो ये मानव के विकास की हमें बात आई कि साहब जो मानव का विकास है वो कहां पर हुआ, तो चीज निकल कर आई कि जो मानव का जो सर्वप्रथम कर्मिक रूप से विकास होता है, मानव का कर्मिक विकास विकास वो दक्षिण अफ्रीका से माना जाता है। यानी जो मानव का विकास है वो किसे कहां से माना गया कि दक्षिण अफ्रीका से है वो साहब मानव का विकास हुआ था, और उसके लिए हम दो तरफ पर है वो बात करें, उसके लिए हमारे पास क्या है जो साक्ष्य है वो दो तरह के हैं, वो साक्ष्य निकल कर आए, एक तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के आए और एक दूसरे थे जो होमिनिडो के उनकी बात की गई। तो जो होमिनिडो का उद्भव है अफ्रीका से हुआ, और आज भी अफ्रीका के बहुत से जो वानरों का जो समूह है, अफ्रीका से जो वानरों का समूह है और अफ्रीका के वानरों का समूह से आज जो होमिनिड उन समय की थी उनमें बहुत कुछ है वो क्या है, एकता जुड़ी हुई है। यानी अफ्रीकी वानर है, आज आप समूह देखोगे तो उन समय के होमिनिडों से तुलनात्मक रूप से एक जैसे, एक तो बात ये। दूसरा कहा गया कि जो होमिनिडों के जीवाश्म प्राप्त होते हैं हमें वो ज्यादातर है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश के थे, किस वंश के, ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश के हैं वो होमिनिड है, उनके साक्ष्य हमें प्राप्त हो गए जो ज्यादातर कहां से, अफ्रीका से ही मिलते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश के जो होमिनिड है उनके साक्ष्य हमें कहां से मिले, अफ्रीका से वो मिलने का काम है वो कर रहा है, और वो कितने 56 लाख वर्ष पूर्व। लेकिन इसके बजाय जो अन्य अफ्रीका से बाहर आप देखोगे यूरोप में है या एशिया में है या ऑस्ट्रेलिया में, वह तकरीबन 18 लाख से अधिक के पुराने नहीं। तो ये चीज एक जाहिर होती है कि जो मानव का विकास होता है वो सर्वप्रथम अफ्रीका में हुआ, क्योंकि जो मानव के पूर्वज एक तरीके से होमिनिड हैं वे होमिनिड आज के अफ्रीकी वानरों से क्या करते हैं, साम्यता रखते हैं, समानता रखते हैं, उनके जैसे ही लगते हैं। और दूसरा था कि जो इनका विकास है होमिनिड का वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश से हुआ, उस वंश के भी ज्यादातर वानर है वो कहां है, वो अफ्रीका में है वो पाए गए और 56 लाख वर्ष पूर्व के समय थे। दो बात, तीसरी बात, जो अफ्रीका से बाहर जो पाए गए होमिनिड वो उस समय के 56 लाख के अफ्रीका में थे, यहाँ पर है वो 18 लाख के, तो इसमें ये भिन्नता दर्शाने का काम करा है। इसका मतलब ये हुआ कि साहब जो इनका विकास हुआ वो अफ्रीका के अंतर्गत हुआ है। दूसरी बात ये कि जो होमिनिड है वो होमिनिड परिवार के ही क्या है, सदस्य हैं, और सभी ये रूपों में वो मानव प्राणी, होमिनिड की बात की गई कि उनका जो मस्तिष्क है वो बड़ा आकार का है, जो ये आप देखोगे मस्तिष्क आप इसका विकास को जो क्रम को देखोगे इनकी जो स्थिति ये आपके होमिनिड है, तो इनका मस्तिष्क है वो अपेक्षाकृत उनसे बड़ा है। साथ ही साथ ये क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि ये स्वतंत्र रूप से है वो दो पैरों के ऊपर चलने का वो काम कर रहे हैं,
स्वतंत्र रूप से दो पैरों के बल पर है वो चलने का ये काम कर रहे हैं। अपेक्षा करते हैं होमी जो निडे है या होमिनोइड उनके बजाय ये ज्यादा विकास है वो इन्होंने हासिल किया। और विशेष तरह के औजारों का भी है वो ये प्रयोग करते थे और हाथों से हाथों की इनकी विशेष क्षमता थी जिनके द्वारा क्या कर सकते हैं शिकार कर सकते हैं। हाथों की विशेष क्षमता थी तब ही ये आगे जाकर क्या करते हैं हथियारों को बनाने का काम करें अन्यथा हथियार नहीं बना सकते। आगे हम देखेंगे कि सांप जो होमिनिडों को आगे कई शाखाओं में विभाजित है वो किया गया। इन शाखाओं को है वो क्या कहा गया जीनस कहा गया है वंश है वो कहा गया है। यानी होमिनिडों की क्या है कई शाखाएं और उन शाखाओं को आप देखोगे जीनस जैसे ऑस्ट्रेलोपिथिक्स इन शाखाओं को ऑस्ट्रेलोपिथिक्स और होमो है वो काफी महत्वपूर्ण अधिक महत्वपूर्ण यानी जो होमिनिडों की शाखा है वो आगे जाके बहुत सी शाखाएं हैं होमिनिडों की जीनस है वो बहुत सी और उसमें महत्वपूर्ण है वो दो है। एक तो है आपका ऑस्ट्रेलोपिथिक्स और दूसरा है वो होमो है। होमो में हम देखेंगे किस तरह से होमो एरेक्टस बनता है किस तरह से होमो हैबिलिस है किस तरह से होमो सेपियंस है और ये जो ऑस्ट्रेलोपिथिक्स है वो यो बेसिक दो शब्दों से मिलकर बना है इतना बड़ा कुछ नहीं। ऑस्ट्रेलो और पिथिक्स हैं लैटिन भाषा के ये शब्द ऑस्ट्रेलोपिथिक्स होमो ये कौन से हैं लैटिन लातिनी भाषा के शब्द उन्हीं से ही मिलकर बना है। जैसे आपने देखा कि ऑस्ट्रेलो जो पिथिक्स है उसमें ऑस्ट्रेल शब्द होता है दक्षिणी और यूनानी भाषा का शब्द है पिथिक्स। पिथिक्स किसको कहा जाता है वानर को कहा जाता है आप कपी जो पिथिक्स है तो यूनानी भाषा में पिथिक्स वानर को कहा गया है। तो दक्षिण अमेरिका में जो दक्षिणी जो अफ्रीका में जो वानर है उन्हीं को ये ऑस्ट्रेलोपिथिक्स शब्द है वो आया। आगे देखें क्या कह रही है इन शाखाओं में प्रत्येक की कई प्रजातियां हैं ऑस्ट्रेलोपिथिक्स और होमो के बीच कुछ बड़े अंतर हैं वो उनके मस्तिष्क के आकार उनके जबड़े और उनके दांतों के संबंध में पाए गए। ऑस्ट्रेलोपिथिक्स के मस्तिष्क का आकार है वो क्या है होमो की बजाय बड़ा है यानी ऑस्ट्रेलोपिथिक्स जो समूह था उसके जो वानर थे उनके मस्तिष्क का आकार क्या है बड़ा है। ऑस्ट्रेलोपिथिक्स ये वानर होमो भी हैं वो भी एक तरीके से हैं वो वानर थे उनसे आगे जाकर मानव का विकास होता है। तो ऑस्ट्रेलो यानी जो दक्षिण भाषा का शब्द है पिथिक्स है वो यूनानी भाषा में वानर कहा गया है यानी दक्षिण अफ्रीका से जो मानव जो वानर का एक समुदाय उसका नाम ऑस्ट्रेलोपिथिक्स है और ऑस्ट्रेलोपिथिक्स है उसके मस्तिष्क है वो होमो की बजाय कैसा है बड़ा है और उनका जबड़ा भी है वो कैसा है आप देखोगे भारी है और दांत भी है वो ज्यादा बड़े हैं। दरअसल इन प्रजातियों को वैज्ञानिकों द्वारा जो नाम दिए गए वे सभी लातिनी और यूनानी भाषा के शब्द हैं। लैटिन यानी लैटिन और यूनानी भाषा के शब्दों से मिलकर बने जैसे आप देखोगे कि ऑस्ट्रेलोपिथिक्स नाम है वो लातिनी भाषा के शब्द ऑस्ट्रल यानी दक्षिणी और यूनानी भाषा का शब्द पिथिक्स यानी वानर से मिलकर बना। ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मानव के आद्य रूप में उसकी एप यानी वानर अवस्था के अनेक लक्षण है वो बरकरार रहे जैसे होमो की तुलना में मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा होना पिछले दांतों का बड़ा होना हाथों की दक्षता का सीमित होना या उनमें है वो सीधे खड़े होकर चलने की जो प्रवृत्ति है वो विकसित होना। तो ये बात किसकी थी ये होमिनिड की थी यानी किस तरीके से है वो होमिनिड आगे अलग अलग शाखाओं के अंतर्गत बांटा गया है। और होमिनिड में है वो हम दो महत्वपूर्ण शाखाएं पढ़ेंगे एक तो ऑस्ट्रेलोपिथिक्स पढ़ेंगे और दूसरी किसको पढ़ेंगे होमो को पढ़ने का काम करेंगे। तो ये आपका होमिनिड था। होमिनिड चीज क्या है चीज काफी जटिल है क्योंकि विश्व इतिहासकार मानव के विकास का इसलिए काफी जटिल। पहले एक शब्द आया था आप इसको ऐसे समझिए एक शब्द आया था हमने लिया था प्राइमेट प्राइमेट यानी वानर परिवार वानर परिवार का क्या है एक समूह और इस समूह में हमने एक परिवार को लिया था होमी नो डे और इसी परिवार का एक है वो समूह आगे जाकर आता है होमिनिड। इस होमिनिड को भी आगे कई भागों में विभाजित किया गया है। होमिनिड परिवार भी क्या है बड़ा है ठीक है और वह होमिनिड परिवार भी आगे जाके हमने देखा कि हमारे जो अध्ययन के दो जीनियस है वो महत्वपूर्ण कौन से जीनियस महत्वपूर्ण है दो आप देखोगे दो जीनस है
जीनस है वो दो महत्वपूर्ण, एक है वो ऑस्ट्रेलोपिथेक्स है, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स है, और दूसरा है वो कौन सा है, होमो। ऑस्ट्रेलो और पिथिक्स ये दो शब्दों से मिलकर बना, एक तो है शब्द आया इसका ऑस्ट्रल, ऑस्ट्रल का मतलब होता है दक्षिण, ये कौन सी, ये लातिनी भाषा का शब्द है, और एक शब्द है पिथिक्स, पिथिक्स है वो यूनानी भाषा का शब्द है, किसको कहा जाता है, यूनानी भाषा में पिथिक्स शब्द का अर्थ होता है वानर, वानर को कहा गया। और दूसरा जो होमिनिड का जो जीनस है वो कौन सा है, होमो है, कौन सा है, होमो। और होमो को भी आगे जाकर के दो तीन भागों में है वो हमें अध्ययन करना है, होमो होमो हैबिलियस है, होमो एरेक्टस है, और होमो सेपियंस, सेपियंस। तो ये एक श्रृंखला है इसके विकास की, काफी जटिल टॉपिक है, इसको आप थोड़ा सा आसानी से समझोगे तो ये चीज समझ में आ जाएगी। प्राइमेट, होमिनोइड, होमिनोइड जीनस, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स और होमो, होमो हैबिलियस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस, ये सबसे जो विकसित मानव है ये होमो सेपियंस है, जिसको मैंने बताया कि चिंतनशील मानव कहा जाता है, प्राग मानव है वो इसको कहा गया। तो जो बात यहां पर थी कि इनके जो होमो की तुलना में जो ऑस्ट्रेलोपिथेक्स थे उनका मस्तिष्क भी है वो किस तरीके था, फिर वो दांत के जबड़े होना, हाथों की दक्षता का, और सीधे खड़े होकर इनकी जो चलने की क्षमता भी है वो अधिक नहीं थी, क्योंकि वह अभी भी अपना बहुत सा समय है वो किस पर, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स है वो अपना अधिक समय है वो किन के ऊपर, पेड़ों के ऊपर गुजारने का कर रहा है, इसलिए उनमें है वो पेड़ों पर जीवन जीने के लिए आवश्यक अनेक विशेषताएं अब भी है वो मौजूद है ऑस्ट्रेलोपिथेक्स वानर के अंतर्गत। लेकिन जो दूसरा जीनस था होमिनिड का, कौन सा, होमो, वह निरंतर आगे विकास है वो कर रहा है, जिसके फलस्वरूप आगे जाकर के एक ऐसी दशा आई कि है वो मानव का विकास हुआ। यानी ये जो आपका एक शब्द आया था प्राइमेट, प्राइमेट, प्राइमेट में कहा गया कि स्तनपायी प्राणियों के एक अधिक बड़े समूह के अंतर्गत एक उपसमूह है, और प्राइमेट उपसमूह में वानर हैं, लंगूर हैं, और क्या है वो मानव शामिल है, उनके शरीर पर बाल होते हैं और बच्चा पैदा होने से पहले अपेक्षा करते एक लंबे समय तक है वो माता के क्या हो रहा है, गर्भ में पल रहा है, और माताओं में बच्चों को दूध पिलाने के लिए क्या हो रही है, दुग्ध ग्रंथियां हो रही है, और प्राइमेट प्राणियों के दांत भी भिन्न भिन्न किस्म के होते हैं। यानी प्राइमेट है वो स्तनपायी प्राणियों का एक समूह है, यानी वानर परिवार का एक समूह है, जिसमें वानर है या लंगूर है या फिर उसमें है वो आगे जाकर के जो मानव विकास करता है उनको भी है वो शामिल करने का काम किया है। और प्राइमेट ऐसे समूह जिनको कहेंगे कि ये क्या होते हैं, अक्सर बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है, और बच्चा है वो माता के गर्भ में पलने का काम कर रहे हैं, और माता में क्या है कि बच्चे को दूध पिलाने हेतु ग्रंथियां होती है, यानी जिस तरह से एक वर्तमान में आप देखोगे किस तरीके से एक गर्भ जो एक फीमेल के गुण पाए जाते हैं उस समय उनमें भी है वो गुण पाए गए। तो ये प्राइमेट शब्द है वो बार बार आया, उसको है वो आप कंफ्यूज है वो नहीं होने का काम करें कि सर ये प्राइमेट क्या होता है। फिर हमने देखा कि हिंदी में जो जीनस शब्द है वो वंश के लिए आया है जिसका प्रयोग किया गया, अक्सर एक शब्द चलता है जीनियस के बच्चा है वो बड़ा जीनियस है, यानी बहुत ही है वो प्रतिभाशाली, उसकी पारिवारिक के हैं वो गुण है, बहुत ही ज़्यादा उसमें है वो प्रतिभा है, क्योंकि जीनियस में होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनके लक्षणों के जो गुण हैं वो उनको मिलने का काम करना है। तो यहाँ पर जो जीनस है वो वंश के लिए प्रयोग किया गया। फिर है होमिनोइड, बंदरों से कई तरह से ये भिन्न होते हैं और उनका शरीर भी है वो बंदर से बड़ा होता है और उनकी पूंछ है वो नहीं होती। होमिनिडों के विकास और निर्भरता की अवधि भी है वो अधिक लंबी हुई, यानी होमिनिड है वो बंदर परिवार से एक तरह से थोड़े से भिन्न थे, क्योंकि आप देखो कि बंदरों की पूंछ उनके है वो पूंछ नहीं होती, तो इस तरीके से वो चलने का काम करें। तो आदिकालीन मानव के अवशेषों को भिन्न भिन्न प्रजातियों में है वो वर्गीकृत है वो किया गया, और इन प्रजातियों को अक्सर उनके जो शरीर की रचना में पाए जाने वाले उनके हड्डियों की या फिर शरीर की के तो एक ही है,
उनकी हड्डियों की रचना में पाए जाने वाले अंतर के आधार पर एक दूसरे से भिन्न है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने देखा था कि जो प्रारंभिक मानव की प्रजातियां उनकी खोपड़ी के आकार और जबड़े की विशेषता के आधार पर हैं वो बांटा गया है और उनको दो आधार पर बांटा गया है कि मानव प्रारंभिक मानव की जो प्रजाति थी उनकी जो खोपड़ी का आकार और जबड़े की स्थिति है वो कितनी बड़ी थी उसको दो आधार के ऊपर बांटा। एक तो सकारात्मक प्रतिपुष्टि का सिद्धांत कह रहे हैं और दूसरा हमारा जो सिद्धांत है वो वांछित परिणाम का है वो सिद्धांत है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, और दूसरा है वांछित परिणाम वाला जो ये सिद्धांत है इन्हें से हमें जानकारी मिलती है। एक उदाहरण दिया गया है कि दो पैरों से खड़े होकर चलने की जो क्षमता के कारण है वह मानव क्या कर रहा है अपने हाथ से बच्चे या अन्य चीजों को उठाकर एक दूसरी जगह पर ले जाने या जो जो हाथों का इस्तेमाल बढ़ता गया त्यों मानव में क्या है दो पैरों के ऊपर खड़ा होकर चलने की वो कुशलता भी बढ़ती गई। इसे विभिन्न प्रकार के जो काम है वो करने के लिए स्वतंत्र हो जाने का मनुष्य को क्या हुआ फायदा हुआ क्योंकि अब है वो जो दो हाथ उनको चलने में काम लेने पड़ते थे अब वह हाथ है वो स्वतंत्र रूप से उनका प्रयोग करके अन्य कामों को में लगा रहा है जिससे क्या हो रहा है जिससे उसकी काम करने की क्षमता है वो दुगुनी हो गई। एक तो उसकी एनर्जी जो खर्च होती थी वह चारों के ऊपर चलने का काम कर रहा था अब वह दो बचत हुई तो उन दो हाथों से अन्य काम भी वह कर रहा है। तो चार पैरों की बजाय दो पैरों पर चलने से उसकी शारीरिक ऊर्जा की खपत भी है वो कम होने लगी लेकिन दौड़ते समय ये लाभ है वो उल्टा हो गया। और हमने देखा कि जो देखेंगे किस तरीके से तंजानिया में ये तंजानिया एक देश है तंजानिया में मिले होमिनिडों के पद चिन्हों के जीवाश्म और आधार और इथोपिया से जो प्राप्त हड्डियों के जीवाश्मों से ये पता चलता है कि तत्कालीन मानव दो पैरों पर है वो चलने का काम है वो एक तरीके से कर रहा था। और फिर आप देखोगे कि किस तरीके से 25 लाख वर्ष पहले ध्रुवीय हिमाचल यानी हिम युग जब पृथ्वी पर जो बर्फ जमी हुई थी वह बर्फ पिघलने का काम हुआ और जलवायु परिवर्तन हुआ। जलवायु परिवर्तन हुआ तो उस समय जलवायु के मुताबिक अपने आप को वो इन्होंने भी डालने का काम किया गया इन होमिन इन प्राइमेटों ने अपने आप को डालने का काम किया और जो बर्फीले क्षेत्र में जो प्राइमेट रह रहे थे अब वो क्या हुआ कि सूखे में आ गए क्योंकि आप देखो कि हिम युग की समाप्ति हुई थी बर्फ है वो पिघलने का काम हुआ। बर्फ पिघली तो बर्फ किसे पिघली सामान्य सी बात है जब जलवायु परिवर्तन हुआ जब अधिक तापमान अधिक गर्मी हुई तो जलवायु परिवर्तन हुआ तो वनस्पति में भी बड़े परिवर्तन हुए तो तापमान और वर्षा में भी कमी हो जाने के कारण जंगल है वो कम हो गए घास के मैदानों का भी क्षेत्रफल बढ़ गया परिणाम स्वरूप जो ऑस्ट्रेलोपिथिक्स प्रारंभिक रूप से जंगलों में रहने के आदि थे वो धीरे धीरे क्या हो गए लुप्त हो गए उनके स्थान के ऊपर दूसरी प्रजातियां आ गई जो सूखी परिस्थितियों में आराम से रह सकती हैं और जिसमें होमोजीनियस की सबसे पुरानी प्रतिनिधित्व शामिल है। इन्होंने कहा कि जो मानव में विकास को हमने देखा कि किस तरीके से मानव जो खोपड़ी है कुछ मनुष्य है जैसे हमने देखा कि होमिनिड हैं या फिर आपने देखा कि होमिनिड और होमिनिड में मस्तिष्क में आकार है और उनका जबड़ा बड़ा तो उसको जो अध्ययन करना है तो दो आधार के ऊपर बांटा हमने एक तो सक्रिय प्रतिपुष्टि व्यवस्था और एक वांछित परिणाम के आधार पर देखने का काम किया किस तरीके से उन्होंने विकास किया। फिर हमने देखा कि जो साहब आप इनको मनुष्य को विकास के प्रक्रम को देखो किस तरह से वह जो प्राइमेट थे जो क्या करे थे दो पैर और दोनों ही हाथों को ऊपर चलने का काम करे थे जो जो विकास हुआ प्रक्रम आगे बढ़ा और अब उन्होंने दो हाथों दो पैरों के ऊपर ही चलना शुरू कर दिया। हाथों का प्रयोग वे अन्य चीजों में या तो बच्चों को अपने साथ में उठाकर लेने में कर रहे हैं या फिर अन्य चीजों को हैं वो लेने का काम कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि इसके जो हमें उदाहरण मिले इनके जो जीवाश्म मिलते हैं वो तंजानिया से मिलते हैं आधार से मिले इथोपिया से हैं वो इन समय के है वो जीवाश्म मिलने का काम हुआ कि इस समय का मानव है इस समय का जो जिस तरीके से इस स्वरूप में है वो चलता था। फिर हमने देखा कि 25 लाख वर्ष पूर्व की यदि स्थिति को देखा जाए तो उस समय हिम युग का है वो समापन होता है हिम युग यानी वह युग जिस समय है वो पृथ्वी के ऊपर है वो बर्फ पड़ी तो हिमाच्छादन था और हिम युग की समाप्ति हुई तो तापमान गर्म हुआ तो सीधी सी बात है तापमान जो ही सूर्य का प्रकाश ज्यादा आएगा तापमान टेम्परेचर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि बर्फ फिर पिघलेगी और बर्फ पिघलेगी तो ये भी बात है कि जो तापमान और अन्य जो जलवायु संरचना है वो भी परिवर्तन हुई तो जो ऑस्ट्रेलोपिथेक्स है जो घने जंगलों में रहने का काम कर रहे थे ठंडे क्षेत्र में रहने का काम कर रहे थे अब वे समाप्त हो गए उनकी जगह पर है वो नई परिस्थिति में है वो नया जो जीनियस आने का काम कर रहे हैं वो होमोजीनियस करके हैं वो आने का काम कर रहे हैं जो वर्तमान के मानव का है वो रूप है। तो एक ये पीढ़ी हमारी चली कि किस तरीके से है
वो हम आगे बढ़े थे होमिनिडे, होमिनिडे से होमोनिड आए, होमोनिड से हमारा ऑस्ट्रेलोपिथेक्स आया, और एक समय आया कि साहब 25 लाख वर्ष पूर्व जो का समय था, हिम युग का जो समय था, और हिम युग का जो ही समापन हुआ तो ये जो समाप्त हो गए, और इन ऑस्ट्रेलोपिथेक्स की जगह है वो होमो ने अब क्या किया, विकास किया। क्यों? क्योंकि इनमें है वो इतनी क्षमता थी, दो पैरों के बल पर चलते, दो हाथों का ये प्रयोग कर रहे, फलस्वरूप इन्होंने अपने जीवन को है वो थोड़ा सा उस तरीके से परिवर्तन किया, फलत अब ये सूखे जैसी स्थिति में भी है वो रहने का काम कर रहा है। तो इनका जो विकास क्रम है वो हम यहाँ तक आए, होमो तक है वो हमारा विकास का क्रम है, वो बढ़ने का काम हुआ। तो हम देखेंगे कि होमो है वो क्या है, लातिनी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है आदमी, यद्यपि इसमें पुरुष और स्त्री दोनों ही क्या होते हैं, शामिल है वो होते हैं। और वैज्ञानिकों ने होमो को भी कई प्रजातियों में बांटने का काम किया गया, इन प्रजातियों को उनकी विशेषताओं के अनुसार अलग अलग नाम दिए गए, और इस प्रकार की जीवाश्मों को जैसे होमो हैबिलिस, जो औजार बनाने वाले उनको क्या कहा गया, होमो को होमो हैबिलिस कहा गया, ठीक है। फिर होमो इरेक्टस कहा गया, जो सीधे खड़े होकर चलने का काम कर रहे थे वो होमो इरेक्टस है, यानी सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने का काम कर रहे हैं। और होमो सेपियंस है, वो प्रागी या चिंतनशील मनुष्य हैं, उनको क्या कहा गया, होमो सेपियंस कहा गया। तो ये जो होमो वो आगे जाकर आए, होमो लातिनी भाषा का शब्द है, आदमी को क्या कहा जाता है, होमो है वो कहा जाता है। तो आदमी का सामान्य अर्थ यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों को शामिल किया गया, और ये वैज्ञानिकों ने एक वर्गीकरण किया, अलग अलग भागों में है वो होमो को भी प्रजातियों में बांटा। तो होमो हैबिलिस यानी वे जो मानव समूह थे जो क्या कर रहे, औजार बनाने का काम कर रहे थे। दूसरा जो विकास आगे बढ़ा, तो अब हुआ कि औजार बनाने के साथ साथ अब वे स्वतंत्र रूप से क्या कर रहे, चलने का काम कर रहे दो पैरों के बल पर, तो वो होमो इरेक्टस आई। और जो जो आगे बढ़े तो तीसरा जो महत्वपूर्ण वर्ग आया वो होमो सेपियंस आया, कि चिंतनशील मनुष्य आया, प्राग मनुष्य आया, चेतना वाला व्यक्ति आया, कि अब उसको है वो चिंतन है वो किस तरह से है वो काम करना कर रहा है। तो यह जाकर है वो प्राग्ञ होमो सेपियंस आने का काम कर रहा है। होमो हैबिलिस के जीवाश्म है वो हमें इथोपिया में होमो से प्राप्त हुआ, और होमो जो हैबिलिस है जो हथियार बनाने वाला मानव है उसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, हमें इथोपिया से अफ्रीका के अंतर्गत है, वहां होमो नामक स्थान से प्राप्त होने का काम कर रहे हैं, किसके जीवाश्म, होमो हैबिलिस के, इथोपिया के होमो में। और तंजानिया में ओल्डुवई गॉर्ज से भी है वो प्राप्त होते हैं। होमो इरेक्टस के यदि हम देखेंगे कि इनके जो साक्ष्य हैं वो एशिया और अफ्रीका दोनों महाद्वीपों से वो प्राप्त होते हैं, और कूबी जो फोरा है वहां से प्राप्त होते हैं, ये वो भी नहीं है और ये फ भी नहीं, इसकी जगह आप पढ़ोगे कूबी, कूबी फोरा से है वो किसके प्राप्त हो रहे हैं, होमो इरेक्टस के, होमो एरेक्टस के साथ से हैं वो कूबी फोरा से प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही साथ पश्चिमी जो तुर्कान का जो क्षेत्र है, तुर्फाना ने तुर्कान तुर्की कार ये भूभाग वहां से, वही केन्या है मोड़, केन्या मोड़ है, जोकार्तो यानी जकार्ता, जकार्ता ये इंडोनेशिया के अंदर है, और संगीरन और जावा के क्षेत्र से हैं वो हमें होमो इरेक्टस के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एशिया में पाए गए जीवाश्म में वो आप देखोगे कि अफ्रीका में पाए गए जीवाश्म की तुलना में पर्वतीय यानी बाद के काल के हैं, इसलिए ये अधिक संभव है कि शायद जो होमोनिड वो पूर्वी अफ्रीका से चलकर दक्षिणी और उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी और पूर्वोत्तर एशिया और शायद यूरोप में भी है वो 20 से लेकर 15 लाख वर्ष पूर्व गए थे, और ये प्रजातियां है वो 10 लाख वर्ष तक है वो जीवित रही। यानी इन्होंने जो बात कही थी कि साहब जो होमो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, होमो को भी है वो अलग अलग उनकी जो प्रजाति विशेषता थी, जो औजार बनाते उनको होमो हैबिलिस का, जो सीधे खड़े होकर चलते उनको होमो इरेक्टस का, और जो है चिंतनशील थे जो अच्छे तरीके से समझते थे वो होमो सेपियंस का। फिर इन्होंने बताया कि जो होमो हैबिलिस जो औजार वाले उनके हमें जो अवशेष है वो इथोपिया में होमो से प्राप्त होता है, तंजानिया देश में है वो ओल्डुवई गॉर्ज से प्राप्त होता है, ओल्डुवई रिफ्ट गॉर्ज रिफ्ट से होते हैं,
और होमो इरेक्टस है, उनके एशिया और अफ्रीका में जैसे कुबीफोरा से हुआ, तुर्की से होता है, केन्या से होता है, फिर हमने जकार्ता देखा, संगीरन और जावा से भी हमें प्राप्त होने का काम कर रहे हैं। और इस तरीके से हमने देखा कि जो ये होमिनिड है वो संभवतः अफ्रीका से ही चल करके क्या है अन्य देशों में, चाहे एशिया अफ्रीका या अन्य यूरोप के देश हैं वहां पर चले गए, और जाने का समय इनका तकरीबन 20 से 15 लाख वर्ष पहले था, और ये प्रजातियां तकरीबन है वो 10 लाख वर्ष पहले तक ये जीवित में रही, ऐसा है वो वैज्ञानिकों का कहना है। तो ये हमारे जो मोटे तौर पर आपके था वो किस तरीके से है, वो मानव के विकास की एक कड़ी को हमने हासिल करने का काम किया कि किस तरीके से वो मानव का वो विकास हुआ। तो ये मानव का कर्मिक विकास हम पढ़ रहे थे, मानव का कर्मिक विकास। होमो होमिनिड, और ये आगे जाकर हैं वो दो चीजें हमने देखी, एक तो ऑस्ट्रेलोपिथिक्स देखा, और दूसरा है वो होमो। और ऑस्ट्रेलोपिथेक्स है वो हमने देखा कि साहब जो 25 लाख वर्ष पूर्व, 25 लाख वर्ष पूर्व, वर्ष पूर्व एम युग के बाद में ये समाप्त हो गए, और इनके समाप्त होने के बाद में है वो होमो का विकास हुआ। और फिर हमने देखा कि किस तरीके से वो होमो होमो हैबिलिस होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस, ये हमारे एक मानव के विकास का जो घटनाक्रम चला। तो इस तरीके से वो मानव के विकास की हमने पीढ़ी को आगे बढ़ाया। आगे हमारी जो भी क्लास हुई उसमें हम होमो के बारे में वो अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे कि होमो सेपियंस से वो किस तरह से है वो काम कर रहा, उसकी विकास की श्रृंखला किस तरह से आगे बढ़ती हुई वर्तमान मानव स्वरूप को है वो प्राप्त किया। इस तरीके से प्यारे बच्चों जो हमारी बात हुई थी वो मानव के विकास की एक श्रृंखला को हमने आगे बढ़ाया कि मानव का विकास है वो श्रेणी दर श्रेणी श्रृंखलाबद्ध रूप से हुआ। तो मुझे उम्मीद अपेक्षा है कि आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा, और अगली जो भी क्लास हुई वो उसमें हम शेष जो भाग है उस पर हम चर्चा करेंगे ताकि आप अच्छे तरीके से मानव के विकास को प्रक्रम को समझ सकें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।